नमस्कार दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। मतलब सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है तालमेल या सामंजस्य। तो यहाँ कर्ता और क्रिया में किस प्रकार का सामंजस्य होना चाहिए, किस सब्जेक्ट के अनुसार कौन सी क्रिया आनी चाहिए, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। वैसे तो इस टॉपिक की शुरुआत 9th क्लास से होती है, लेकिन कोई भी इस टॉपिक को सीरियस होके नहीं पढ़ता है तो वो अक्सर गलती करते जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में आपको एक एक इम्पोर्टेंट रूल बताएंगे जो शायद है आपको पता हो। सबसे पहले हम जो है नाउन और वर्ब के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, नाउन संज्ञा जो होती है वो एक वचन बहुवचन होती है, उसी प्रकार से क्रिया का भी एक वचन बहुवचन होता है। वो कैसे होता है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया बुक्स, तो यहाँ पे बुक्स जो है वो क्या है, बहुवचन है। बुक्स क्या है, बहुवचन संज्ञा है, लेकिन बुक अकेला कहाँ होता, तो बुक क्या है, वह एक वचन संज्ञा है। ये तो सबको पता है, लेकिन क्रिया में बात करें, जैसे हमने कहा कि राइट्स कहा, या फिर पहले राइट कहा फिर राइट्स कहा। अब देखिए, लिखना होता है राइट क्रिया का मतलब। तो यहां पे देखिए, यहां एस वाला जो फॉर्म लगा है ये कहलाती है एक वचन वाली क्रिया। ध्यान रखना, एक वचन वाली क्रिया जिसमें एस नहीं लगा होता है वो बहुवचन वाली क्रिया कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि नाउन और वर्ब एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यहाँ एस लगा है तो हम कह रहे बहुवचन संज्ञा है, लेकिन यहाँ यदि क्रिया में एस लगा है तो वो बहुवचन नहीं, वो एक वचन वाली क्रिया है। यहाँ एस ये नहीं लगा है तो हम कह रहे एक वचन वाली संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे एस नहीं लगा है तो हम कह रहे बहुवचन वाली संज्ञा है। तो बस यही चीज आप इसमें ज्यादातर देखेंगे कि कब नाउन कौन सी है, तो क्रिया कौन सी आती है उस नाउन के हिसाब से। जैसे देखिए, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे इज एम आर जो सहायक क्रियाएं होती हैं, सहायक क्रिया इज एम आर की यदि हम बात करें, और वाज वर्ब सहायक क्रियाएं होती हैं। ये जो सहायक क्रियाएं होती हैं, कौन सी सहायक क्रिया सिंगुलर होती है, कौन सी प्लूरल होती है, ये पता होना जरूरी है। तो देखिए, ध्यान देना, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कौन कौन सी सहायक क्रियाएं एक वचन का काम करती हैं, कौन सी बहुवचन होती हैं। डू डज हैज हैव, इन सब में से हमें पता होना चाहिए। तो ध्यान देना, देखिए, जैसे आपको इज के बारे में पता होगा, इज एक वचन के साथ आती है तो ये एक वचन वाली सहायक क्रिया हो गई। वाज भी एक वचन के साथ आती है, और एम सहायक क्रिया भी एक वचन के साथ आती है तो एम भी एक वचन वाली हो गई। लेकिन यहाँ पे डज की बात करें, ये भी एक वचन के साथ होती है, हैज भी एक वचन के साथ होती है। तो सीधी सी बात आप ध्यान रखेंगे, ये सब एक वचन वाली सहायक क्रियाएं हैं। बाकी यदि हम देखें, आर सहायक क्रिया बहुवचन के साथ होती है, और यदि हम देखें तो वर सहायक क्रिया भी बहुवचन के साथ होती है, डू भी बहुवचन के साथ, हैव भी बहुवचन के साथ होती है। तो यहाँ भी इन सहायक क्रियाओं को हम बहुवचन के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये बात अलग है कि आई के हिसाब से एम होता है, तो आई प्रोनाउन जो है उसे सिंगुलर माना गया है, इसीलिए आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। अब हम सीधे नियम पे आ जाते हैं और उन महत्वपूर्ण नियमों की बात करते हैं जो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और हमें पता भी नहीं होते हैं कि ऐसा भी होता है क्या। जैसे पहला नियम देखते हैं, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो दिखने में हमें बहुवचन लगती हैं लेकिन अर्थ में वो एक वचन होती हैं, और जब वो एक वचन होगी तो उनके साथ एक वचन वाली क्रिया लगानी होगी। जैसे हम देखें, फिजिक्स आपको पता होगा, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स हो गया, न्यूज हो गया, और वेट्स हो गया, पॉलिटिक्स, वेस्ट इंडीज हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गए, यूनाइटेड नेशन हो गए। तो यहां भी यदि बात करें, ये ऐसे शब्द हैं जो देखने में हमें लगते हैं कि बहुवचन हैं
और हम बहुवचन की सहायक क्रिया इनमें लगा देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। ध्यान देना, जो फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब क्या है? एक वचन है। इनके साथ एक वचन वाली क्रिया लगाएंगे या एक वचन वाली सहायक क्रिया लगाएंगे, ये था हमारा पहला नियम। कुछ तो आपको बेसिक पता होंगे, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, जो आपको पता होंगे सब्जेक्ट के नाम है, बहुवचन नहीं है। भले ही इनमें एस एस लगा हुआ है लास्ट में, लेकिन ये बहुवचन नहीं है, ये नाम है और ये एक वचन की तरह होते हैं। तो ध्यान रखना, इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। बाकी हम एक्सरसाइज में करेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हाल के लिए याद रखें कि ये शब्द बहुवचन दिखते तो हैं, लेकिन होते नहीं बहुवचन, होते एक ही वचन है। अगला नियम है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ। ध्यान देना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही हम लगाते हैं। यदि ईच के बाद हमें कोई वर्ब लगानी हो, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद कोई भी वर्ब लगानी हो, तो हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे या एक वचन वाली सहायक क्रिया ही हम लगाएंगे। अगला नियम है आइदर और कंजक्शन दिया जाए या नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, यदि इनके द्वारा सब्जेक्ट जुड़े हुए हो। ध्यान देना, सब्जेक्ट यदि जुड़े हुए हो आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, तो आप सेकंड सब्जेक्ट, ध्यान देना दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो आप दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी वर्ब को लगाएंगे या सहायक क्रिया को लगाएंगे। आगे जब हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा, अभी केवल हम नियम नियम बताते चल रहे हैं। अगला नियम है देयर और हियर वाले वाक्य में ध्यान रखना, यदि ये दोनों सब्जेक्ट हैं, देयर और हियर यदि सब्जेक्ट हैं, तो फिर इनके अनुसार कोई सहायक क्रिया नहीं फिक्स होती है। के देयर के हिसाब से इज लगाओ, के देयर के हिसाब से आर लगाओ, कोई फिक्स नहीं है। वैसे ही हियर के हिसाब से भी फिक्स नहीं है, वो वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार हम डिसाइड करते हैं। तो ऑब्जेक्ट एक वचन होगा तो एक वचन वाली, ऑब्जेक्ट बहुवचन होगा तो बहुवचन वाली सहायक क्रिया या क्रिया हम लगाते हैं। अगला नियम देखिए क्या है, कुछ निश्चित संख्या या निश्चित मात्रा को बताना हो। ध्यान देना, कोई निश्चित संख्या है, कोई निश्चित मात्रा है, तो उसको बताने के लिए भी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हम करते हैं। एग्जाम्पल में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी के लिए हम इकट्ठे नियम आपको बता दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नियम ये है, एज वेल एज वाले वाक्य में पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं। इसमें अक्सर लोग गलती कर देते हैं, यदि एज वेल एज के द्वारा सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो हमें जो पहले सब्जेक्ट दिया जाता है उस पहले सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया या क्रिया को लगाना है, ये ध्यान नहीं रखते। तो आप अब ध्यान रखेंगे, एज वेल एज लगाओ तो वाक्य के पहले सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम सहायक क्रिया या क्रिया को लगाना चाहेंगे। अगला नियम भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ शब्द युग्म होते हैं जो हमेशा एक साथ चलते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर मतलब मक्खन रोटी, राइस एंड करी कड़ी चावल कहलाते हैं, स्लो एंड स्टेडी मतलब जो होता है धीमा और स्थिर। यदि ये वर्ड वाक्य में आते हैं और ये एक ही बात को व्यक्त करते हैं तो इनमें सिंगुलर वर्ब लगती है। ध्यान रखना, ये भले ही आपको एंड से जुड़े हुए लग रहे हैं तो लगता है दो चीजें जुड़ गई हैं एंड से, बहुवचन लगना चाहिए, नहीं होता है। ये यदि एक ही बात को व्यक्त करते हैं, एक ही चीज को व्यक्त करते हैं, तो उनमें एक वचन वाली सहायक क्रिया और एक वचन वाली क्रिया हम लगाते हैं। अगला नियम देखते हैं, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट विथ के साथ जुड़े हों, टूगेदर विथ के साथ जुड़े हों, एंड नॉट के साथ जुड़े हों, बिसाइड्स के द्वारा जुड़े हों, नो लेस देन के द्वारा जुड़े हों। ध्यान देना, जब सब्जेक्ट बहुत सारे जुड़े होते हैं विथ, टूगेदर विथ,
एंड नॉट बिसाइड्स या नो लेस देन, तो आप ध्यान रखना आगे वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम वर्ब लगाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम होगा। जब वाक्य आएगा तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है कि यहां तो बहुवचन वाली आनी चाहिए लेकिन आ जाती है कहीं एक वचन वाली। तो यहां पे ये नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सीधे एक्सरसाइज पे आ रहे हैं क्योंकि इतने ही नियम आपको याद रखने हैं। सीधे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए एक्सरसाइज का पहला वाक्य है नो न्यूज खालिस्तान बैड न्यूज। अब यहां भरना तो एजेमार है, तो एजेमार देखिए न्यूज हमने बताया था देखने में बहुवचन लगता है लेकिन न्यूज माना गया है एक वचन, तो यहां एक वचन है इसलिए सहायक क्रिया इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं कि राइस एंड करी खालिस्तान माई फेवरेट डिश। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है क्योंकि जिनको नियम के बारे में पता ही नहीं है वो देखेगा कि राइस और करी एंड से जुड़े हैं, बहुवचन हो गए, सहायक क्रिया आर लगा दो। लेकिन हमने आपको बताया था राइस करी एक ही चीज को बताते हैं, कड़ी चावल। हम कह रहे हैं किसी व्यक्ति से कि कड़ी चावल मेरी फेवरेट डिश है, इसका मतलब ये है कि कड़ी चावल मिला करके जब इकट्ठा होता है तो वो मेरी फेवरेट डिश है। ऐसा नहीं कह रहे कि कड़ी अलग चावल अलग, इसकी तो बात नहीं कर रहे कि अलग अलग करके दो चीजें रखी जाए। नो, यदि कोई खाता है तो कड़ी चावल मिक्स करके ही खाता है, अलग अलग करके नहीं वो खाता है। तो कड़ी चावल यहां इकट्ठा जब मिक्स हो जाता है वो कहलाता है कड़ी चावल। तो यहां पे एक चीज की बात कर रहे हैं, एक ही चीज की, तो यहां पे इज होगा। तो यहां अक्सर लोग गलती कर देंगे, तो यहां पे इज राइट आंसर होगा। अगला वाक्य देखिए फिजिक्स। फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, लास्ट में एस है, लग रहा बहुवचन होगा लेकिन बहुवचन नहीं है, तो यहां पे एक वचन की तरह होता है, तो इज यहां पे राइट आंसर। क्या फिजिक्स एक कठिन सब्जेक्ट नहीं है। अगला वाक्य देखिए मैथमेटिक्स खालिस्तान माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब मैथमेटिक्स भी एक विषय का नाम है, भले ही एस जोड़ा है लेकिन ये बहुवचन नहीं है इसलिए यहां एक वचन की तरह होगा, तो इज सहायक क्रिया आ जाएगी कि गणित मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अगला वाक्य देखते हैं यहां पे, हाँ अक्सर आप गलती करेंगे, आई एज वेल एज यू खालिस्तान इन द रॉन्ग। तो देखिए हमने बताया था जब भी एज वेल एज के द्वारा दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो आपको पहले सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी है सहायक क्रिया या क्रिया। तो देखिए यहां एज वेल एज का पहला सब्जेक्ट है आई, तो आई के हिसाब से एम सहायक क्रिया यहां राइट आंसर होगी। तो यहां ध्यान रखना जब भी एज वेल एज के द्वारा दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया या क्रिया को हम लगाते हैं। अगला वाक्य देखिए कि यू एज वेल एज ही। अब देखिए एज वेल एज के द्वारा यू और ही जुड़ा है, पहला सब्जेक्ट तो यू है और यू के हिसाब से हैव सहायक क्रिया राइट होगी। देखिए यदि आप इस नियम के बारे में नहीं जानते हैं तो निश्चित है गलत करके आएंगे, कभी यहां एम तो आप लगा ही नहीं सकते थे क्योंकि यहां आपको पता था यदि एज वेल एज हो दो सब्जेक्ट के बीच तो फिर पहले सब्जेक्ट के हिसाब से, वैसे ही यहां पे भी यू के हिसाब से हैव सहायक क्रिया आएगी। अगला वाक्य देखिए आप पेयर ऑफ शूज। आप पेयर ऑफ शूज का मतलब क्या है, एक जोड़ी जूते, और एक जोड़ी जूते की बात हो रही है, वो लाइंग रखे थे अंडर द टेबल, मतलब टेबल के नीचे, वाज भर में से लगाना है। तो देखिए पेयर का मतलब होता है जोड़ा, और जोड़ा जूतों का जो होता है इकट्ठे की जब आप बात करते हैं मिला करके, तो यहां पे वो एक वचन की तरह कार्य करता है। तो मतलब यहां पे दो चीजें तो हैं, जूते तो दो हैं लेकिन उनका जोड़ा जब बना तो वो एक ही चीज बन गई, तो यहां एक ही जोड़ा बन गया, तो यहां वाज सहायक क्रिया राइट आंसर होगा। जैसे यहां भी देखिए द किंग एंड पोएट देयर। अब यहां इजार, देखिए ऐसा वाक्य में आप अक्सर गलती करेंगे, तो यहां एक चीज ध्यान देना, आपको लग रहा एंड है तो एंड दो चीजों को जोड़ता है, तो बिल्कुल जोड़ता है, लेकिन यहां पे सहायक क्रिया कौन सी लगाएंगे, इज या आर, यहां भी गलती आप कर दोगे।
राजा और कवि एक ही व्यक्ति है, तभी तो द आर्टिकल एक ही बार लगा है, वरना यहां पे द किंग और द पोएट होता। यदि द किंग द पोएट होता तो दो अलग अलग व्यक्ति होते, लेकिन यहां द एक ही बार लगा है तो राजा और कवि एक ही व्यक्ति हैं जो वहां पर हैं, तो एक ही व्यक्ति को बता रहे हैं, इस वजह से इज यहां राइट आंसर होगा। लेकिन यदि यहां द लिख दिया जाए तो यहां दो व्यक्ति हो गए, फिर आर सहायक क्रिया राइट होगी। अगला वाक्य देखिए, 10,000 रुपीज खालिस्तान अ गुड सम, मतलब जो है 10,000 रुपए एक अच्छा योग होता है, एक अच्छी राशि होती है। यदि आप किसी को रुपए देना चाहते हैं तो 10,000 रुपए एक अच्छी राशि होती है, तो 10,000 रुपए यहाँ पे एक निश्चित मात्रा या निश्चित संख्या बताई जाती है, तो वो एक वचन सहायक क्रिया के साथ होती है, तो यहां भी इज राइट आंसर होगा। यहां आर नहीं आप कर सकते, क्योंकि एक अच्छा योग होता है, एक अच्छी राशि होती है, मतलब सबको मिला के एक चीज हमने बना दी और उस एक चीज की बात फिर करी है। आगे देखिए, आइदर ऑफ दीज टू वाइस खालिस्तान गिल्टी, तो यहां पे आइदर वाले वाक्य में हमने बताया था आइदर जो होता है वो एक चीज को दर्शाता है, तो यहां पे भी राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। मतलब दो लड़के हैं, इन दो लड़कों में से कोई एक लड़का क्या है, दोषी है, तो वहां पे वाज सहायक क्रिया होगी, वर नहीं हो सकती है। आगे का वाक्य देखिए, नन ऑफ देम खालिस्तान ट्रू, मतलब इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ कोई नहीं का मतलब खाली, और ये भी एक वचन को दर्शाता है, तो यहां भी फिर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, दिस पेयर ऑफ सिसर्स खालिस्तान सार्फ, जो सिसर्स होती है वो कैंची कहलाती है। अब यहां पे वाज वर में से क्या होगा, तो यहां कैंची आपने देखी होगी, तो कैंची लोहे की दो पत्तियों की सहायता से बनी होती है, लेकिन जो पत्ती होती हैं दो होती हैं, उन दोनों को जब मिलाते हैं तब बनती है सिसर्स, मतलब कैंची। तो यहां पे जो कैंची है वो एक वचन को दर्शाती है, तो यहां पे भी वाज हो जाएगी, क्योंकि पेयर लिखा है, पेयर मतलब जोड़ा, और जोड़ा दो चीजों का तो होता है, लेकिन दोनों जब जुड़ जाते हैं तब बनता है वो जोड़ा, और जोड़ा तो एक ही बना, वो इस वजह से वाज हो जाएगी। आगे देखिए, देयर खालिस्तान नो फ्रूट ऑन द ट्री, अब देखिए देयर के हिसाब से कोई सहायक क्रिया फिक्स नहीं है, हमने बताया था ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है, नो फ्रूट कोई फल नहीं, ठीक है, वहां पेड़ पे कोई फल नहीं है, तो यहाँ कोई फल नहीं है, मतलब एक वचन की बात होगी, कोई फल नहीं है, वैसे तो जीरो है, कोई संख्या ही नहीं है जीरो, और जीरो भी एक वचन में लिया जाता है, तो यहाँ इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, कि दे आर खालिस्तान 50 बॉयज इन द क्लास, और वाज वर सहायक क्रियाएं हमें यहाँ पे लगानी है, तो देखिये यहाँ पे 50 बॉयज की बात हो गई, 50 लड़कों की बात बहुवचन हो गए, तो वर सहायक क्रिया यहां आंसर होगी। अगला वाक्य देखिए, आइदर यू और योर ब्रदर खालिस्तान डन दिस, अब देखिए हैज हैव में से हमें भरना है, हमने बताया था आइदर और के द्वारा दो सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं, तो हमें दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया या क्रिया लगानी होती है, तो यहां दूसरा सब्जेक्ट है योर ब्रदर आपका भाई, वो तो एक वचन है और एक वचन है, तो हैज राइट आंसर होगा। अगला वाक्य देखिए, हियर मिस्टर गुप्ता द क्लास टीचर, यहां मिस्टर गुप्ता जो क्लास टीचर हैं वो हैं, तो हमने बताया था देयर और हियर के ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया होती है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट मिस्टर गुप्ता हैं, जो क्लास टीचर हैं वे यहाँ पे हैं, इसका मतलब है यहाँ सहायक क्रिया इज होगी, क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ पे हैं। आगे का वाक्य, हियर माई फ्रेंड्स, यहाँ मेरे मित्र हैं, और मित्र के नाम यहाँ पे दे दिए गए हैं, सुभाष, मोहन, सोहन, तो यहाँ पे देखिए हियर के बाद बहुवचन वाली सहायक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए, यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट थे मिस्टर गुप्ता, लेकिन यहाँ बहुत सारे व्यक्ति दिए गए, मतलब बहुवचन, तो यहाँ आर सहायक क्रिया, जबकि यहाँ पे इज सहायक क्रिया होगी।
अगला वाक्य देखिए, द ओनर ऑफ दीज हाउस मतलब इन घरों का जो मालिक है, घर तो बहुत सारे हैं लेकिन उनका मालिक तो एक ही होगा, वो बहुत रिच था। मतलब यहां पे वाज सहायक क्रिया हो जाएगी क्योंकि यहाँ हाउस बहुवचन है लेकिन उन हाउसों का जो ओनर मालिक है वो तो एक है, एक वचन है, इसलिए वाज राइट आंसर है। अगला वाक्य देखिए, स्लो एंड स्टेडी खालिस्तान द रेस, यहाँ विन और विंस में से हमने बताया था स्लो एंड स्टेडी मतलब धीमा और स्थिर कहलाता है, और ये जब भी आते हैं तो एक चीज की तरह कार्य करते हैं, एक वचन हो जाएंगे, तो एक वचन में आपको पता है एस वाला फॉर्म आता है, तो यहाँ विंस राइट आंसर होगा। अगला वाक्य देखिए, नरेश टूगेदर विथ हिज ब्रदर्स खालिस्तान स्टैंडिंग देयर, देखिए यहाँ पे इजार में से भरना है, टूगेदर विथ कंजक्शन के साथ सब्जेक्ट जोड़े हैं दो या दो से ज्यादा, तो हमने बताया था पहले सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया आती है, तो यहाँ नरेश के हिसाब से इज सहायक क्रिया राइट आंसर हो जाएगी। तो यहाँ बात हो रही है कि नरेश अपने भाइयों के साथ वहां खड़ा है, तो यहां हम नरेश की बात कर रहे हैं, तो नरेश जो है टूगेदर विथ के साथ उसके ब्रदर्स जुड़े हुए हैं, तो हमने बताया था टूगेदर विथ के साथ दो दो से ज्यादा सब्जेक्ट जुड़े हों तो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से सहायक क्रिया लगाएंगे, तो इज यहां राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ही नो लेस देन यू खालिस्तान गिल्टी, अब यहां पे भी देखिए तो नो लेस देन के द्वारा ही और यू जुड़े हुए हैं, हमने बताया था नो लेस देन के द्वारा जुड़े हों तो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से यहां वाज राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य, द लॉयर एंड नॉट द क्लाइंट खालिस्तान टू ब्लेम, अब यहां पे हमने देखा था एंड नॉट, एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट एंड नॉट के द्वारा जुड़ गए, तो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से सहायक क्रिया इज यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है। धन्यवाद।